नमस्कार, नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं प्रज्ञा झा। आज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको किडनी श्रिंकेज के बारे में जानकारी देंगे। आखिर किडनी अपने नॉर्मल साइज से छोटी जब होने लग जाती है तो उसके पीछे क्या कारण होता है और इससे आपके शरीर में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स उत्पन्न हो सकती हैं, इसके बारे में आपको इस खास प्रोग्राम में जानकारी देंगे। और आज हम मौजूद हैं कर्मा आयुर्वेदा में और मेरे साथ अभी मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत। डॉक्टर पुनीत, सबसे पहले तो आपका नेशनल खबर में बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। और जैसे कि मैंने बताया है कि किडनी श्रिंकेज पर बात करने वाले हैं, तो किडनी श्रिंकेज होती क्या है और इसे साइंटिफिक तौर पर आप क्या कहते हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। देखिए, किडनी श्रिंकेज जो होती है बड़ी एक ऐसी टर्म है जिसको मिस इंटरप्रेट किया गया है बहुत सी बार। किडनी श्रिंक हो गई और किडनी छोटी हो गई और किडनी फेल हो गई, ये बड़े कॉमनली वर्ड टर्म्स हैं। क्या होता है, जैसे किडनी कम काम करने लग जाती है, किडनी का जो क्रिएटिनिन है वो इंक्रीज होने लग जाता है, GFR कम होने लगता है, तो धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो देखते हैं कि किडनी साथ में श्रिंक होती चली जा रही है, किडनी का साइज छोटा होता चला जा रहा है। अब हमारी प्रायोरिटी मेन ये नहीं है कि किडनी श्रिंक हो गई तो किडनी फेल भी होगी होगी, और या किडनी फेल हो गई तो किडनी श्रिंक होगी और श्रिंक हो गई तो फेल होगी, ये दोनों आपस में इंटररिलेटेड नहीं है। हालांकि ये ज़रूर है कि श्रिंक हो गई तो फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन अगर किडनी का साइज़ छोटा है और वो प्रॉपरली काम कर रही है देन ऑल्सो इट्स वेल एंड गुड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन। बच्चे की साइज़ भी तो किडनी का छोटा होता है, वो भी काम करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि किडनी श्रिंक हो गई तो वो फेल होगी ही होगी। तो किडनी श्रिंकेज है अगर उसको ग्रेजुअली अल्ट्रासाउंड के माध्यम से देखा जा सकता है कि श्रिंकेज किस हिसाब से हो रही है, किडनी के फिल्ट्रेशन कैपेसिटी कितनी है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। साइज़ अगर श्रिंक होता है तो फिल्ट्रेशन कैपेसिटी डिक्लाइन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंट थिंग है कि GFR कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट किडनी का कितना है, एक मिनट के अंदर किडनी कितना फिल्टर कर रही है। अगर वो पर्याप्त मात्रा में फिल्टर कर रही है तो साइज़ नॉर्मल है, बहुत अच्छी बात है, और पर्याप्त मात्रा में फिल्टर कर रही है, साइज़ थोड़ा कम भी है, देन ऑल्सो इट्स फाइन। सो वी नीड टू फोकस ऑन द मेन थिंग कि हमारा GFR किडनी का कितना है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है, एक मिनट में कितना छान रही है। उसके लिए एक सिंपल सा टेस्ट है, रीनल स्कैन DTPA, वो DTPA टेस्ट आप करा सकते हैं और उसमें आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से किडनी की फिल्ट्रेशन कैपेसिटी इम्प्रूव हो रही है। 90 ml पर मिनट उसका नॉर्मल रेट माना गया, 90 ml एक मिनट में किडनी की छन्नी को छानना जो है वो एप्ट माना गया है, वो अच्छा माना गया है, वो पर्याप्त माना गया। अब होता क्या है, जैसे ऐसे ऐसे क्रिएटिनिन बढ़ता है, 1 से 2 हुआ तो 50% तक किडनी डैमेज हो जाती है, यानी कि जो 90 GFR है दैट कम्स डाउन टू 45-50, और फिर 2 के बाद जब ये 3 बढ़ता है तो नेक्स्ट 20-25% डैमेज होती है, फर्दर वो डिक्लाइन होता है GFR। इसी प्रकार से जैसे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ता है और GFR की रेशो उस हिसाब से रिड्यूस नहीं होती, जैसे 1:1:2 हुआ, 1 से 2 गया तो 50% डैमेज हुआ, 2 से 3 गया तो 25% 20% डैमेज हुआ, ऐसे ही 2-3 से 4 में परसेंटेज ऑफ द किडनी डैमेज इज लेस। जितना परसेंटेज बढ़ता जाएगा उतना मतलब किडनी परसेंटेज कम होगी किडनी खराब होने की, कंफ्यूज हो जाते हैं बहुत से लोग, थोड़ा से आप भी हो रहे हैं, हाल भी हो। 1 से 2 बढ़ा तो 50% किडनी कम काम करने लग जाती है, 2 से 3 में 20%, 3 से 4 में उससे कम से अराउंड रैंडमली 10-15%, 4 से 5 में फिर फर्दर और कम देखा जाता है। 1 से 2 तो क्रिएटिनिन जो है वो धीरे धीरे बढ़ता है, उसके बाद बहुत तेजी से बढ़ने लग जाता है। उसके पीछे का कारण यही है, परसेंटेज जो किडनी की डैमेज हो रही है वो तो उसी प्रकार से हो रही है, उसी रेशो में हो रही है, लेकिन जो क्रिएटिनिन के बढ़ने का ट्रेंड है दैट इज नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिक्लाइन इन द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। GFR जिस रेशो में कम हो रहा है, क्रिएटिनिन जिस रेशो में बढ़ रहा है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। स्टार्टिंग में क्रिएटिनिन 1 से 2 में मैक्सिमम डैमेज होता है, बहुत धीरे धीरे बढ़ता है, पेशेंट्स को लगता है कि डैमेज नहीं हो रहा, अभी तो क्रिएटिनिन थोड़ा सा ही बढ़ा, बट वहाँ पे मैक्सिमम डैमेज हो जाता है, नंबर कम बढ़ता है लेकिन डैमेज ज़्यादा हो रहा है। यहाँ पे धीरे धीरे जैसे क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, डैमेज जो है वो कम हो रहा है, नंबर ज़्यादा बढ़ रहा है। तो इसमें कन्फ्यूजन की ज़रूरत के लिए सिर्फ एक उपाय है, DTPA स्कैन कराएंगे। जब आप हमारे पास आते हैं तो एक DTPA स्कैन हम पहले करा लेते हैं, GFR कितना है, एक्चुअल GFR कितना है, एस्टिमेटेड GFR निकल जाता है क्रिएटिनिन से, eGFR इसमें भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। eGFR जो मैंने आपको बताया जिस हिसाब से, वो क्रिएटिनिन से कैलकुलेट करते हैं। अब एक्चुअल GFR जो करता है वो वेरी करता है, क्योंकि क्रिएटिनिन जो है वो एक प्रकार का ब्लड का टेस्ट है,
ब्लड टेस्ट जो होता है वो 50 से 60 बहुत सारे कारणों पे डिपेंड करता है, निर्भर करता है, बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। 5 किलोमीटर चल लेंगे क्रिएटिनिन बढ़ जाएगा तो EGFR अफेक्ट हो सकता है, लेकिन एक्चुअल GFR जो होगा वो जो GFR होगा DTPS कैंसर जो आएगा वो इम्पैक्ट नहीं होगा। इस प्रकार से बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसमें EGFR इम्पैक्टेड हो सकता है लेकिन एक्चुअल GFR इम्पैक्टेड नहीं हो सकता। पानी कम पिया, पानी ज़्यादा पिया, क्या खाया क्या नहीं खाया, बींग अ ब्लड टेस्ट, सीरम क्रिएटिनिन, सीरम यूरिया एंड दीज वैल्यूज माइट इम्पैक्ट, लेकिन जो हमारा एक्चुअल GFR है, जो DTPA स्कैन से GFR आ रहा है, वो एग्जैक्ट बताएगा कि कितना है। तो हमारे को मेन ये देखना है कितना GFR इम्प्रूव हो रहा है जी। जब आप स्टार्टिंग में एलोपैथी में या किसी अन्य पैथी में ट्रीटमेंट शुरू करते हैं तो पहले कितना था GFR, और वो ग्रेजुअली मेडिसिन लेके, ट्रीटमेंट लेके, डायलिसिस करा के, ट्रांसप्लांट करा के वो कितना हुआ, क्या वो बढ़ा, क्या उसमें किसी प्रकार से वृद्धि हुई GFR में, या फिर वो रिड्यूस हो रहा है, ग्रेजुअली हो रहा है, फास्ट हो रहा है, अब्रप्टली हो रहा है, क्या ट्रेंड है उसका। तो आप अपने आप समझ जाएंगे कि आयरन की, कैल्शियम की या फिर डायूरेटिक की दवाइयों से GFR बढ़ाना संभव नहीं है, जो कि अब दी जाती है जनरली पेशेंट्स को। जब वो जाते हैं उनको पता चलता है कि क्रिएटिनिन बढ़ गया, यूरिया बढ़ गया, तो बेसिकली एक प्रकार का दिया था, कैल्शियम दे दिया, कैल्शियम कम है तो डायूरेटिक दे दिया, पानी भरा हुआ है तो डायूरेटिक दे दिया, इस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो उससे GFR नहीं बढ़ रहा, उससे आप सिम्टम्स को ज़रूर ट्रीट कर रहे हैं लेकिन एक्चुअल कॉज यानी कि जो किडनी कम काम कर रही है वो ट्रीट नहीं हो रहा। GFR बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली जो किडनी के फंक्शन है वो धीरे 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 करके अपने फॉर्म में आने लग जाएंगे, चाहे वो, क्योंकि 100 से ज़्यादा फंक्शन किडनी के माने गए हैं, बहुत से ज़्यादा, बहुत बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो आप सारे फंक्शंस को कैसे कंपनसेट कर सकते हैं सिम्टोमेटिकली, हीमोग्लोबिन को भी ऑप्टिमाइज करता है, सारी चीज़ें जो है वो A to Z कंट्रोल करता है, बहुत सारे फंक्शंस हैं, फिल्ट्रेशन करता है। तो ये ज़रूरी है कि अगर GFR बढ़ जाए, अगर एक्चुअल किडनी की कार्यक्षमता बढ़ जाए, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट बढ़ जाए, तो ऑटोमेटिकली जो किडनी के सारे फंक्शंस हैं वो फॉर्म में आ जाएंगे, वो अपने आप उसी प्रकार से काम करने लगेंगे। ये कह सकते हैं कि कर्म आयुर्वेदा GFR बढ़ाने पे काम करता है, उस पे फोकस ज़्यादा डालते हैं। जो पेशेंट हमारे पास आता है पहले हम देखते हैं कि उसका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट कितना है जी। जो कि एक प्रकार का रीनल स्कैन DTPA से टेस्ट हो जाता है जी। उसके 3 महीने के बाद दवाई देने के बाद हम दोबारा उसको चेक करते हैं कि कितना उसका DTPA स्कैन में GFR आया है। अब हमारे पास बिफोर भी है, हमारे पास आफ्टर भी है, तो क्लैरिटी रहती है कि कितना पहले था और कितना बाद में है उसका और कितना उसको इम्प्रूवमेंट आई है। जनरली क्या होता है कि पेशेंट जब एलोपैथी में जाता है तो उसका क्रिएटिनिन कम होता है, 1.5-2 के आसपास होता है, ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है क्योंकि वो डायूरेटिक ले रहा होता है, लेसिक्स, डाइटोर, इस प्रकार की दवाइयां चल रही होती हैं और साथ में कैल्शियम का सप्लीमेंट होता है, इस तरह के सप्लीमेंट होते हैं, तो सप्लीमेंट इन सब चीज़ों के कारण वो ग्रेजुअली बढ़ता चला जाता है। और बढ़ने के कारण देखा जाता है कि वो मंथली बेसिस पे या फिर बाय मंथली बेसिस पे जब टेस्ट कराए जाते हैं तो क्रिएटिनिन धीरे धीरे और इंक्रीज हुआ, फिर 3 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 5 हुआ, फिर बोला था डायलिसिस करा लीजिए। डायलिसिस कराने के बाद सप्ताह में 2 बार, सप्ताह में 3 बार डायलिसिस कराया जाता है। डायलिसिस कराने के बाद भी किडनी का फंक्शन ठीक नहीं होता, इम्प्रूव नहीं होता, बिकॉज अच्छा डायलिसिस एक प्रकार की आर्टिफिशियल मशीन है जो किडनी काम नहीं कर सकती, वो एक प्रकार की आर्टिफिशियल मशीन के द्वारा, इंजीनियर की बनाई हुई मशीन के द्वारा काम कराया जा रहा, लेकिन वो किडनी की तरह इंटेलिजेंट नहीं होती, किडनी की तरह स्मार्ट नहीं होती जी। वो मशीन वेस्ट के साथ साथ प्रोटीन को भी बाहर कर देती है। अब प्रोटीन जब बाहर होने लगता है तो बहुत प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस आने लगती हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है दोज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी, बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारी एनर्जी रिलेटेड चीज़ें प्रोटीन की वजह से होती हैं। तो डायलिसिस में बहुत सारे पेशेंट कहते हैं कि वीकनेस आ रही है, कमज़ोरी आ रही है, उसका बहुत बड़ा कारण यही है कि डायलिसिस के समय प्रोटीन वॉश आउट हो रहा होता है। ठीक है, और इसके बाद सवाल ये आता है कि जैसे किडनी श्रिंकेज की हम बात कर रहे थे, तो इसके पीछे क्या वजह है कि किसी भी व्यक्ति की किडनी श्रिंक होने लग जाती है और इसके बाद फिर और भी तमाम तरीके की बीमारियां शुरू होती हैं शरीर में? देखिए, किडनी श्रिंकेज जो है ना, ये एक प्रकार की जो टर्म है, हमें देखना पड़ता है अल्ट्रासाउंड में किडनी का साइज़ कितना है। साइज़ अल्ट्रासाउंड में बदल गया कि कैल पे कितना साइज़ है। अब जनरली होता क्या कि किडनी फेल मानते हैं कि किडनी श्रिंक हो गई तो किडनी फेल हो गई जी। तो ऐसा नहीं है कि किडनी श्रिंक हो गई तो किडनी फेल होगी ही होगी, दिस इज़ नॉट ऑलवेज। कि तो लोगों को ज़्यादा थोड़ा सा डर रहता है कि किडनी श्रिंक हो रही है, श्रिंक होने की वजह से फेल की कंडीशन में तो नहीं जा रही, तो ऐसा हमेशा नहीं होता।
तो हमें ये ज़रूरी है कि किडनी की फंक्शनल कैपेसिटी कितनी है, किडनी का GFR कितना है, किडनी कितना फिल्टर कर रही है एक मिनट के अंदर, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। GFR कितना है, सही काम कर रही है, तो साइज अगर 19-20 ऊपर नीचे है देन ऑल्सो इट्स नॉट अ मैटर ऑफ कंसर्न, मोर इम्पॉर्टेंट इज दैट कि फिल्टर कितना कर रही है एक मिनट में, किडनी कितना छान रही है, GFR कितना है किडनी का। ठीक है जी, तो मतलब ट्रीटमेंट कैसे होता है इस चीज़ का, जैसे आपने पूरी सारी चीज़ें बताई दी कि टेस्ट वगैरह बता दिए, इसके अलावा भी उन्हें कुछ कराना होता है या इसके अलावा उन्हें क्या रूटीन फॉलो करने की ज़रूरत है अपनी लाइफ में? जो किडनी के पेशेंट्स होते हैं उनको खाने पीने का डाइट का रूटीन बहुत ज़्यादा ज़रूरी फॉलो करना, हाई पोटेशियम चीज़ें अवॉइड करनी ज़रूरी हैं, फॉस्फोरस रिच चीज़ें जो हैं वो अवॉइड करनी ज़रूरी हैं, इस तरह की चीज़ें जो हैं बेसिक सोडियम रिच चीज़ें अवॉइड करनी ज़रूरी है, प्रोटीन इंटेक को रेगुलराइज करना पड़ता है, प्रोटीन बहुत ज़्यादा ना लें, प्रोटीन लेंगे ज़्यादा तो क्रिएटिनिन बढ़ने की संभावना हो जाती है क्योंकि क्रिएटिनिन इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन को हमें कम भी नहीं करना, प्रोटीन को इतना रखना है कि बॉडी में एनर्जी भी लेवल्स भी मेंटेन रहें और साथ साथ इम्पैक्ट भी ना हो, नेगेटिव इम्पैक्ट भी ना आए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड वी कैन नॉट जनरलाइज दिस सिनेरियो। एक हद तक ही जनरलाइज किया सकता है लेकिन हर पेशेंट की रिपोर्ट अलग रहती है, पोटाशियम सोडियम फॉस्फोरस क्रिएटिनिन यूरिया किडनी का अल्ट्रासोनोग्राफी में रिपोर्ट, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं ये अलग अलग रहती हैं, तो उसके अनुसार स्पेसिफिक पेशेंट को क्या रिक्वायरमेंट है और कितनी उसको रिक्वायरमेंट है उसी के अनुसार ही इसको प्लान आउट किया जा सकता है। हालांकि 60-70% तक जनरलाइजेशन पॉसिबल है, सोडियम पोटेशियम और फॉस्फोरस रिच चीज़ों को अवॉइड करना है, प्रोटीन इंटेक को रेगुलराइज करना है, ये चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है और जितना हो सके आप ये घर पे बैठ के भी आप जितना कर पाएं इन सब चीज़ों को अवॉइड कीजिए और देखिए कि कितना उसमें इम्पैक्ट आ रहा है, अगर उसी में इम्पैक्ट आता है तो बहुत अच्छी बात है, जो डाइट आप मैक्सिमम घर बैठे फॉलो कर सकते हैं वो कीजिए, और अगर किसी भी प्रकार की डाइट रिलेटेड सलाह चाहिए हो किसी को तो वो आप ले सकते हैं, हमारे नंबर्स पे कॉल कर सकते हैं और घर बैठ के आप वो चीज़ें शुरू कीजिए, यहाँ पे आने की भी आपको रिक्वायरमेंट उसके लिए नहीं है। बिल्कुल। सो डॉक्टर पुनीत, आखिरी सवाल मेरा आपसे और होगा कि क्या किडनी एट्रोफी को रोका जा सकता है, क्योरेबल है ये आयुर्वेदा में? देखिए क्या होता है, एट्रोफी एक प्रकार का स्ट्रक्चरल चेंज इन द किडनी है, किडनी के अंदर कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस हो रहे हैं, वो हो सकता है कि पॉलीसिस्टिक किडनी की वजह से हो रहे हो, बहुत सी बार एक जेनेटिक प्रॉब्लम और होती है किडनी के पेशेंट्स में जो कई किडनी के पेशेंट्स में देखने को मिलती है, उसे कहा जाता है पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, यानी कि सिस्ट होते हैं किडनी के अंदर और वो एज के साथ साथ सिस्ट का साइज बढ़ता चला जाता है, ग्रो करता चला जाता है, और ये सिस्ट के साइज ग्रो करने के कारण किडनी का साइज भी बहुत सी बार एट्रोफी हो जाती है, उसके अंदर बढ़ जाता है, कई बार इंक्रीज कर जाता है साइज, तो ये देखना ज़रूरी है, एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है, पॉलीसिस्टिक है, मतलब एक सिस्ट से मल्टीपल सिस्ट होते हैं किडनी में और वो सिस्ट के साइज बढ़ रहे होते हैं एज के साथ साथ, तो इन इस प्रकार की चीज़ों में कुछ प्रिकॉशन ली जा सकती हैं, प्रिकॉशन ये कि रेगुलर एक्सरसाइज करी जाए, बॉडी को सिडेंट्री ना रखा जाए, इस तरह की प्रिकॉशंस लेनी है किडनी के लिए, ब्लड प्रेशर को डायबिटीज़ को कंट्रोल रखा जाए, इस तरह की प्रिकॉशंस ले सकते हैं PKD के पेशेंट्स, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ के पेशेंट्स, और बाकी जो है एक प्रकार की जेनेटिक बीमारी है तो इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं होती हैं बीइंग अ जेनेटिक प्रॉब्लम। जी, कितने परसेंट आपके पास पेशेंट आते हैं इस तरीके से किडनी एट्रोफी वगैरह के? देखिए दो तरह के पेशेंट है, एक तो CKD के पेशेंट है जिनकी श्रिंकेज हो जाती है किडनी में, बहुत सी बार साइज कम हो गया बिकॉज ऑफ द लेस फंक्शनिंग ऑफ द किडनी बिकॉज ऑफ द कॉम्प्रोमाइज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। दूसरे प्रकार के पेशेंट होते हैं पॉलीसिस्टिक किडनी पेशेंट PKD, जिनके साइज इंक्रीज हो जाता है बहुत सी बार और वो अल्ट्रासोनोग्राफी से पता चलता है, बहुत सी बार इन पेशेंट्स में क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ भी होता है और क्रिएटिनिन नॉर्मल भी होता है। ठीक है। और ये अनुवांशिक बीमारी है और ये वंशवाद में चलती है तो इस बीमारी के लिए बहुत अलग से प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं और ये मेक श्योर करना जरूरी है कि GFR जो है वो बहुत हद तक जितना हम कंट्रोल कर पाएं उसे कंट्रोल करें। ठीक है, चलिए डॉक्टर पुनीत आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खास जानकारी के लिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थी किडनी श्रिंकेज या किडनी एट्रोफी जिसे आप नाम से जानते भी हैं।
तो उसके बारे में जानकारी। तो डॉक्टर पुनीत ने जैसे सारी चीज़ें बताई हैं कि प्रिकॉशंस लेना बहुत ज़रूरी है, और साथ ही आपने अगर इस पूरे इंटरव्यू को, पूरे साक्षात्कार को आखिर तक देखा है तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए सारी चीज़ों को पढ़िए, रिसर्च कीजिए, और उसके बाद हमारी कही गई बातों पर विश्वास कीजिए, और उसके बाद आप कर्मा आयुर्वेदा में आइए, और अगर आपको किसी भी तरीके की बीमारी है तो यहाँ से इलाज लीजिए, किडनी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है। और साथ ही ऐसे ही और तमाम खबरों के लिए नेशनल खबर के साथ बने रहिए।